महाराष्ट्र राजस्थान में आर्थिक स्थिति जय मेरू 84 कोष परिक्रमा समिति के माध्यम से ये तय किया गया है कि वो वर्ष में 3 समारोह आयोजित में अपनी भागीदारिता निभाएंगे। उसमें से एक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती से संबंधित कार्यक्रम था, जो कि 2 मई से लेकर 10 जून तक कार्यक्रम चालू है। उसका अंतिम चरण में ये तय किया गया है कि अजमेर की जनमानस से हम आह्वान करेंगे कि वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जैसे अपनी आँखें खोई हैं तो अब नेत्रदान करके पूरे भारतवर्ष के अंधता निवारण के प्रयास में ये सहभागी बने। साथ ही हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे जो आज अभी एक मूवी बनी है उस मूवी का हम स्वागत करते हैं और राजस्थान सरकार से ये मांग करते हैं कि वह यह प्रेरणादायक मूवी टैक्स फ्री करे, जिससे पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हैं, चीता हैं, मेरात हैं, रावत हैं, गुजर हैं, जो भी उनके नाम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको यह पिक्चर देखने का मौका मिले और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और साथ ही हम दानदाताओं से आह्वान करते हैं वे आगे आएँ, उद्योगपति आगे आएँ और कई हॉलों में अपने शो बुक कर दें, जिससे आम जनता, छोटे से छोटा गरीब तबका भी इस पिक्चर को देखकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मान बढ़ा सके। और इसी क्रम में हम ये भी मांग करेंगे राजस्थान सरकार से कि आने वाले समय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान से संबंधित इंस्टीट्यूट खोले जाएं, जिसमें लोग आएं और लोगों की, जनता की सहभागिता बने और इस देश पे आने वाले समय में वही राज करेंगे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मान बढ़ाएंगे। इसी के साथ तरुण वर्मा, संयोजक अजय मेरू 84 कोस परिक्रमा समिति।